ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। ये फी तैसे नाप लेते हुए कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितनी है रे? ये 20 ही है। ये वाली 20 है, ये वाली जगह 20, और ये वाली कितनी है? बीच वाली, बीच वाली अभी 22 के समथिंग होगी। बीच वाली 22 है। ये इनका जजमेंट करते हुए फीते से नापते हुए कि ट्रैक कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा करके चलाएंगे गाड़ी से। ये बस खड़ी है हमारी, नहीं तो बीच वाला कितना दिया आपने? ये वाला, ये अभी 20 दिया ना, ये वाला 20 और ये वाला 22, बीच वाला। इधर रखो, बस 22, ये 22 हो गया ना, अगला 22 ले लो। चल जाएगी इसमें गाड़ी, देखते हैं करके तो देखना पड़ेगा ना भाई। छोटा कर दिया तुमने ऑप्टिकल, पहले ये था 24 24 और 24 और 22 20 का था, 24 22 का, 24 22 बीच वाला 24 था और साइड वाले 22 था। और अभी कितना उसमें ऑप्टिकल में ना कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ऑप्टिकल, वो तो बढ़िया चल रहा है, उस पे अच्छा चलता है। तो हम इसको ना थोड़ा सा और कम करके और ठीक से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई छोटा सा छोटा के अंदर घुमाएं गाड़ी को और उसके अंदर प्रयास करें अपना रेगुलरली। तो यहाँ पे लाइन तो है नहीं, जो दिक्कत भी नहीं है, गिरेगा तो पोलार्ड ही गिरेगा फिर। जहाँ लाइन होती है उसके अंदर बॉडी, गाड़ी की जो पीछे का जो बॉडी है पूरा, वो लाइन के ऊपर से निकल जाएगा तो भी पता उसका नहीं लगे, उसका कोई फायदा नहीं है, जजमेंट नहीं होगा ना, जजमेंट नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा वो। तो गाड़ी की बॉडी है ना जिस सिर्फ पोलार्ड के अंदर ही होनी चाहिए, टायर से कोई मतलब नहीं है कि पूरी बॉडी टच ना करे किसी को भी। यहाँ पोलार्ड गिरेगा पूरा फेल हो जाएगा, नहीं तो वो पोलार्ड गिरेगा तो बच्चे की कमजोरी सामने आ जाएगी ना, कि कहाँ कमजोर है बच्चा, कहाँ गलती कर रहा है। वो लाइन से बनाएगा तो बोले बॉडी बाहर जाओ तो भी कोई मतलब है नहीं, वो तो फेल है फिर। ये ट्रैक बना हुआ है जो RSRTC द्वारा, RTO के द्वारा ये पूरा बनाया हुआ है और उसके माप के अनुसार ही बनाया गया है। 8 ऑप्टिकल है हमारा, 18 फिट का है, वो भी RTO के द्वारा बनाया गया है। एच ऑप्टिकल है, ये भी वही मेजरमेंट है, 22 और 20 21 22 और 21 का ये बनाया हुआ है, वो हम बना रहे हैं। अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटा बड़ा करके, कि जितना पहले बड़ा किया हमने 25 और 23 रखा था, उसमें तो बढ़िया चल रही है अपनी गाड़ी, अच्छी चल रही है। उसके बाद में 22 साइड का किया है, उसके बाद में ये बीच वाला 24 रखा था, उसमें भी सही चल रही है गाड़ी। तो अब हमने ये किया है कि 20 साइड में रखा है और अभी 22 बीच वाला हो गया। सेम बढ़िया है। तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ये पोलार्ड आगे पीछे करके, ये मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग चलती रहती है इनके दिमाग में, तो हम इनको कुछ नहीं बोलते और अपने हिसाब से ये करते रहते, खुद ही पोलार्ड जमाते हैं और खुद ही सेट कर देते हैं पोलार्ड को। ये अपना एच हो गया 90 डिग्री, बिल्कुल बढ़िया। ये फीते से बिल्कुल एक्यूरेट नाप दिया हमने, 20-22 कर दिया इन्होंने। इनकी प्रैक्टिस छोटी से छोटी जगह में होती जा रही है। हाँ ये 90 डिग्री है, अभी तो फिलहाल 20-22 है, इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट गाड़ी चलती है। तो हम इसको 20 की जगह इसको साइड वाले को 18 कर देंगे और ये जो 22 है उसको उठा के 20 कर देंगे। चेंजिंग जितना अच्छा आप हमारे को प्रयास करते रहेंगे कम से कम में। नाप दिखाना उधर से, कितना नाप आ रहा है दिखाना, कितना आ रहा है, कितना कितना नाप है दिखाना, एक मिनट। 20 का ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो कोई देखिए दोस्तों, ये अजमेर सेंटर में ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कहीं पे भी नहीं होती है। यहाँ बच्चे कम ही लेते हैं, हम 10 बच्चे लेते हैं तो उसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं और आराम से टाइम मिल जाता है इन बच्चों को अच्छे से, और सब ऑप्टिकल के 5-5, 7-7 चक्कर हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 22 है बीच वाला, बीच वाला 22 है, इसमें तो खूब आराम से।
जय हिंद जय भारत दोस्तों। हैं? दो चार चक्कर लगा के इसको 18 करेंगे, इसको 20 करेंगे। हाँ कर लेना कोई दिक्कत नहीं, इसको 20 कर देंगे और इसको 18 कर देंगे। इसके ऊपर ट्रक 10 चक्का ट्रक भी आ जाता है इसके अंदर आराम से। वो तो आपने चलाया 10 चक्का ट्रक चलाया, बढ़िया आराम से चल रहा था वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चल भाई सुनील, चलो बस स्टार्ट करो, बना के दिखाओ इसमें। अब हम आपको दिखाएंगे किस ट्रैक पे गाड़ी चलती है या नहीं चलती है।